पीएसीएल निवेशकों की रिफंड आवेदनों की निपटान प्रक्रिया जारी। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ नवभारत टाइम्स के अखबार में आई है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि नई दिल्ली पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा है कि पीएसीएल लिमिटेड निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 5,000 रुपये तक के वादे दावे आवेदन पर प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड ने फरवरी में पीएसीएल के निवेशकों से निवेश राशि वापस को लेकर आवेदन देने को कहा था। नियामक ने यह आवेदन सेनावृत्ति न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति को 30 अप्रैल तक देने को कहा था। सेबी ने पीएसीएल की संपत्ति को बेचने को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए तथा बिक्री राशि का उपयोग निवेशकों को लौटाने के लिए समिति गठित की थी। नियामक ने यह बयान में कहा था, निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए 5,000 रुपये तक के दावे आवेदनों पर गौर किया जा रहा है। धन वापसी प्रक्रिया में निवेशकों के पास बॉन्ड का मूल प्रमाण पत्र और भुगतान प्राप्ति रसीद पर विचार किया जा रहा है। नियामक ने पीएसीएल के अन्य निवेशकों से समिति की अधिसूचना का इंतजार करने को कहा है। सेबी ने कहा, जिन निवेशकों का दावा 5,000 से अधिक है उनसे समिति की अधिसूचना का इंतजार करना होगा और इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है। इसके अलावा जिनके आवेदनों में नामनीति या कानूनी वारिस अथवा पूरी रसीद या प्रमाण पत्र नहीं है, वह केवल पावंत्री पत्र है, उनसे भी समिति की अधिसूचना का इंतजार करने का आग्रह है। पीएसीएल ने अवैध तरीके से लोगों को करीब 60,000 करोड़ रुपया जुटाए। यह राशि मुख्य रूप से कृषि एवं रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर जुटाई गई। सेबी ने जांच में पाया कि राशि अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए 18 साल तक की अवधि में जुटाई गई। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको इसलिए सुनाई जा रही है कि 18 साल तक सेवी विभाग अवैध रूप से धनराशि इकट्ठी करवाता रहा और आखिर में अपने पास लेकर बैठ गया। दोस्तों, खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।